आज की वीडियो में हम जो पंखा बनाने जा रहे हैं ये दोस्तों एसी और कूलर की तरह ठंडी ठंडी हवा देता है, टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन करता है क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है और हर आदमी यही चाहता है कि हमको ठंडी हवा मिले। दोस्तों हम तो एसी या कूलर से ठंडी हवा ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर में डेयरी फार्मिंग के लिए पशु रखे जाते हैं उनको भी ठंडी हवा चाहिए, तो उनके लिए यह वाला फैन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसका यूज बंद कमरे की बजाय बाहर करते हो तो फिर आपके लिए भी ये काफ़ी काम का पंखा है। ये दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने कैसे बनाया आप भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डेयरी फार्मिंग के लिए है, ये आप खुद भी अपने लिए भी इसको लगा सकते हैं। बस इसमें यही है कि इसको आप बंद कमरे में नहीं लगा सकते, बाहर खुले में लगाओ तो वहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जो इसके ऊपर हमने पानी लगाया है, पानी की खपत दोस्तों बहुत ही कम है और बिजली की खपत भी बिल्कुल भी नहीं है। इसको बनाना कैसे है हम इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स लेंगे, कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स, और उसके अंदर हम यह वाली मोटर लगाएंगे। यह वाली मोटर जो खेतों में स्प्रे करने के लिए टंकी यूज होती है, स्प्रे पंप, उसके अंदर यह मोटर लगाई जाती है। यह 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के ऊपर चलने वाली मोटर है। हम इस बॉक्स में इसको फिट कर देंगे। यह वाली जो साइड है ये दोस्तों इसका आउटपुट है, यानी कि जो इसका प्रेशर है जो वो जहाँ से निकलेगा बाहर। उसके बाद हम इसको फिट करने के लिए टाई लॉक लगाने के लिए इसी बॉक्स में होल करेंगे ताकि मोटर जो हमारी है वो फिट हो सके। और एक हमको दोस्तों इसके साथ चाहिए रेगुलेटर, यह 12 वोल्ट का रेगुलेटर है और इसके ऊपर ही पूरा डायग्राम बनाया गया है कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। इसके द्वारा हम दोस्तों स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर इस मोटर के ऊपर 4 या 5 नोजल लगाएंगे तो पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। हम इसके ऊपर लगा रहे हैं सिर्फ 2 नोजल और उसके बाद हमें चाहिए डीसी 12 वोल्ट 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर का एक अडाप्टर जो कि आसानी से बाज़ार में मिल जाता है 12 वोल्ट का, क्योंकि 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाली यह मोटर है। तो इसको भी हम टाई लॉक लगाकर फिक्स कर देते हैं और जितनी भी तार है इसको हम एक जगह इकट्ठा करके इसके ऊपर टाई लॉक लगा देंगे। अब दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो हम करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अडाप्टर की ब्लैक वायर और रेगुलेटर की ब्लैक वायर, उसके बाद जो मोटर की रेड वायर, अडाप्टर की रेड वायर और रेगुलेटर की रेड वायर, तीनों को हम एक जगह जोड़ देंगे। अब एक वायर बचेगी रेगुलेटर की, एक वायर बचेगी मोटर की, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। यानी जो नेगेटिव वायर की सप्लाई है वो हम मोटर की नेगेटिव को देंगे, पॉजिटिव इसमें कॉमन रहेगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। दोस्तों ये सारा सामान आपको अमेजोन से मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। A to Z आपको पूरे का पूरा सामान अमेजोन से मिल जाएगा अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता तो। और ये वाली जो वायर है ये 220 वोल्ट के लिए हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देंगे इसको इनपुट। इनपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं जी एक RO का पाइप, जो हम RO फिल्टर मशीन है हमारे घर में पानी साफ करने के लिए लगाया जाता है, उसके अंदर यही वाली पाइप यूज की जाती है। और इसके बाद हम इसको एक छोटी बोतल 2 लीटर की लगाएंगे और इसके लिए मैंने ये वाला जो हमारे किसी भी गाड़ी का टायर होता है उसके अंदर जो ट्यूब है जहाँ से हम इसके अंदर हवा फिल करते हैं ट्यूब के अंदर, उसके अंदर जो ब्रास की एक निप्पल लगी रहती है वो मैंने यूज की है। उसको इतना घिसा लिया है कि जो RO का पाइप है उसके ऊपर जो एल्बो लगती है वो एल्बो इसके ऊपर आसानी से लग जाए ताकि ये लीक ना होए। मेरे पास एक पुराना फैन था, इसी की ही जाली उतारकर साफ करने के बाद हम इसके ऊपर ही लगाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का पुराना फैन है तो इसके ऊपर आप लगा सकते हो। दोस्तों इस तरह की नोजल बाज़ार में मिल जाती है,
अगर नहीं मिलती तो अमेजोन में ये मिल जाएगी 70 या 80 रुपए की नोजल है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उसके बाद हम ये वाला जो रंग है वो गोल कर देंगे, और इसके बाद आपको 3 चाहिए टी, जो के टी पॉइंट जो के आरओ में ही लगाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा सामान आरओ का पाइप या एल्बो वगैरह लगाया जाएगा, जो सामान है वो स्प्रे वाला जो पंप होता है उसका चलेगा। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। एक बार टेम्परेरी इसी बॉक्स को, जिसके अंदर हमने ये मशीन बनाकर फिट की है, इसी को टेप लगा कर एक बार टेम्परेरी लगा देते हैं। जो हमने इसमें नोजल यूज की है, इसको सही रखने के लिए हमको एक फिल्टर चाहिए, जो कि आरओ मशीन के अंदर लगाया जाता है, सेंटीमेंटल फिल्टर इसको बोलते हैं, और यही हम लगाएंगे, क्योंकि जितना भी कचरा आएगा पानी में वो जहां पर ही रह जाएगा, ये फिल्टर कर देगा। क्योंकि जो पानी है, जहां पर हम खुले में पानी इसके अंदर लगाएंगे, तो कोई ना कोई छोटा बहुत जो कचरा है वो आ ही जाता है, इसलिए हम ये वाला फिल्टर लगाएंगे। मैं जहां पर ये 2 लीटर वाली बोतल लगा रहा हूं, अगर हम इसको बिल्कुल स्लो चलाएंगे मोटर को, तो जो हमारी ये वाली बोतल है एक, ये पूरे 50 मिनट चल जाती है 2 नोजल के ऊपर। अगर आप 1 नोजल यूज कर रहे हो, 1 नोजल चलाते हो, तो आपका जो ये वाला पानी है ये 1.5 घंटे तक भी चलेगा। तो छोटा सा मैंने एक होल कर दिया है बोतल के ऊपर, जहाँ से हम इसके अंदर पानी भरेंगे। तो इसकी जगह आप कोई बड़ा बर्तन भी लगा सकते हो। अगर आप यही पंखा अपने फार्म में लगा रहे हो, तो वहाँ पर आप 30 या 35 लीटर वाला कैन लगा दो, वो तकरीबन सारा दिन ही चल जाएगा। स्लो स्पीड हमको रखना पड़ेगा इसका जो प्रेशर है नोजल का, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर करते हैं, ज़्यादा स्पीड पर मोटर चलाते हैं, पंप चलाते हैं पानी वाला, तो उसका क्या है कि जो ज़्यादा गीला हो जाएगा, जगह ज़्यादा गीली हो जाएगी और पानी की ठंडक उतनी ही रहेगी। मैंने ये देखा है, चाहे आप इसको स्लो रख लो, चाहे आप इसको हाई प्रेशर के ऊपर चलाओ। तो हम इसको जहाँ पर एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच है इसके अंदर ही है रेगुलेटर के, और जो अडाप्टर की सप्लाई है वो मैंने जहाँ पर मेन सप्लाई दी है पंखे की 220 वोल्ट, वहाँ पर ही लगा दी है आरओ की सप्लाई, अडाप्टर की सप्लाई। उसके बाद हम जो इसका आउटपुट पाइप है, वहाँ पर आरओ का पाइप लगाएंगे, जहाँ पर जो क्लंप लगाया है, जहाँ आप जहाँ पर तार भी लपेट सकते हो, क्योंकि जहाँ पर हाई प्रेशर रहता है आपको जहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वही पाइप मैं एक, मैंने जहाँ पर टी लगाई थी, जो टी पॉइंट था, उसको दे दिया है। अब जो हमारा सर्कल है ये पूरा हो चुका है। अब हम इस मोटर को चलाकर देखते हैं। तो जो हमारा पंखा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको अपने लिए या अपने पशुओं के लिए लगा सकते हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।